नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत अच्छी चीज़। लॉकडाउन है तो कभी कभी सब्जियां नहीं मिलती है, तो अपने पास प्याज है, लहसुन है, तो हम प्याज का अचार बनाएंगे। तो चलिए हम कम इंग्रेडिएंट से प्याज के अचार को कैसे बना के और 6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उसे खा सकते हैं। दाल चावल के साथ, खाली रोटी और प्याज का अचार के साथ भी उसे खा सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं प्याज का अचार। बनाने के लिए हमने 3 प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, और उसको हम ऐसे लंबे लंबे टुकड़े में काट लिए हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट्स प्याज है, थोड़ा सा हम लिए हैं इसमें ये अदरक, उसको भी हमने लंबा लंबा काट लिया है। 2 गांठ हमने लहसुन का लिया है, उसको हमने छील के रख लिया है। 8 हमने ये मिर्च ली है, जो कि तेज़ नहीं होती और कलर बहुत अच्छा आता है इसे, तो 8 ये मिर्च लिए हैं। और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम लिए हैं धनिया, खड़ा धना है ये, 1 चम्मच हम लिए हैं सौंफ, 1 चम्मच हम लिए हैं ये क्या बोलते हैं सरसों का पाउडर है, राई का, पीली सरसों का ये पाउडर है। थोड़ा सा हम लेंगे इसमें हींग, और थोड़ी सी हम लेंगे चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा हम हल्दी, मेथी और जीरा का भुना पिसा पाउडर, ये भुना पिसा पाउडर है मेथी और जीरे का। नमक टू द टेस्ट होगा जी, ये यदि आप सिरका डालना होगा तो आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना होगा तो भी आपका अचार बहुत अच्छा रहेगा। सिरका डालेंगे तो आपका अचार सुरक्षित हो जाएगा। तेल जिसमें हम इस सबको इसको फ्राई करेंगे। नान स्टिक तवा हम रख दिए, धोए थे, सुखा रहे हैं, इसको थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम उसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। आँच को सिम करके फिर धनिया, सौंफ, तोड़ लेंगे मिर्च के, मोटी मिर्च के उसको भी डाल देंगे, भून लेंगे। जलाना नहीं है इसको, धीमे आंच में ही भूनना है। आंच में अच्छे से भून लेंगे, जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, इसको हम पीस लेंगे। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे इस पर, ताकि हींग भी गर्म हो जाए। पर हम डालेंगे ये पिसा हुआ राई का पाउडर, मिक्सी में डाल के पीस के फिर आपको दिखाते हैं। इसमें हम डालेंगे तेल, तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे। धुआँ उठते तक उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ डालते हैं। मैं डालूंगी अदरक, इसको डाल के थोड़ा भूनूंगी। लहसुन इसको भी डाल के भूनूंगी। खूब लाल हमें नहीं करना है, हल्का हल्का भूनना है। और अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को डाल के भी हम इसको भूनेंगे अच्छे से, ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और सोंधापन आ जाए। डालेंगे इसमें नमक, ताकि प्याज अच्छे से थोड़ा भून जाए। करना है प्याज को हमें पूरा रेड नहीं करना है, एकदम जलाना नहीं है, केवल उसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए इतना तक हमें इसे भूनना है। अब प्याज तो भून गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे देखिए, और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, ताकि मिक्सी में हम बाद में इसको ग्राइंड कर लें। इसको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। देखिए दरदरा पीसना है, ये पीस गया, एकदम चिकना नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेंगे। इसमें तेल है, थोड़ा सा हम और डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे ये जीरा पाउडर है और मेथी पाउडर है, हल्दी अचार है तो, और थोड़ी सी लाल मिर्ची तेज वाली, धनिया पाउडर, और अब हम डाल देंगे प्याज को, जिसको हम पीस के रखेंगे। इसको हमें अच्छे से भूनना है, तेल कम हो तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 चम्मच,
जो मसाला हम पीस के रखे थे अब इसको हम सब डाल देंगे। और तेल के छोड़ते तक इसको भूनना है। नमक डालेंगे, नमक टू द टेस्ट होगा, टेस्ट करके आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। कम है तो नमक चटनी में, अचार में ज़्यादा हो तो भी अच्छा लगता है, तो नमक हम डालेंगे। थोड़ा सा शक्कर, शक्कर ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है, थोड़ा सा शक्कर भी डाल देते हैं, भून लेंगे। के लिए हमें अमचूर पाउडर डालना पड़ेगा, तो हम 2 से 2.5 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें। टहो अमचूर पाउडर की जगह आप इमली भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर डालने से माइनस पॉइंट ये है कि खूब दिन रहने से थोड़ा सा काला हो जाएगा, और इमली डालने से काला नहीं होता, बस प्लस माइनस यही है इसका। सकते हैं टेस्ट करने के बाद। थोड़ा सा हम नमक और डाले हैं, इतना डालने के बाद नमक चटनी में, अचार में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो आपको ख़राब नहीं होगा, और खटाई भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा ये बन गया, तेल छोड़ने लगा है ये किनारे किनारे से, ये बन के तैयार हो गया है। हम इसको डिश आउट करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम, 2 ही चम्मच था, डाल दिए सिरका। विनेगर हमने डाला है 2 चम्मच। आज के बर्तन में ही आपको इसको रखना है। ये दोस्तों मेरा प्याज का अचार बन के तैयार हो गया है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है अचार। आप अब आप बनाइए, खाइए, और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। लच्छा पराठा, समोसा, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे, इडली, डोसा, सांभर, जो भी जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे, तो ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है, बहुत लज्जेदार लगता है। दाल चावल के साथ और जो भी चीज़ के साथ आप खाना खाएँ, तो ये प्याज का अचार बनाइए और खाइए। मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।